नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मंशल बंकशीट में। मैं हूं समर बिसानी और यहां पे बताएंगे आपको कि असम राइफल जो है भारत की, उनको पावर मिल गया है कि नॉर्थ ईस्ट में वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। यहां पे उनको ये पावर दिया गया है। देखिए, ये जो है हमारे यूपीएससी का जीएस मेंस पेपर 3 में आ सकता है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जो टॉपिक्स होता है उस पर इसको कवर किया जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले असम राइफल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, असम राइफल जो है, अगर बात करें तो ये उनका लोगो है और एक मिलिट्री यूनिट है असम राइफल। बोला जा रहा है कि असम राइफल जो है वो भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस यूनिट की अगर बात करें तो इसका हम लोग अगर हिस्ट्री देखने जाएं तो ये एक समय ब्रिटिश के समय एक पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स बनाया गया था 1835 में। उसका नाम था चचार लेवी और उसी से ये पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स बन करके आया। इसके बाद दिखाया रहा है कि इसका फाउंडेड है 1835। इसका जनरल नेचर देखिएगा अगर आप, तो ये है फेडरल लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब कोई भी फेडरल लॉ जो है, सेंट्रल का जो लॉ है उसको यहाँ पे काम जो करवाने का जो जिम्मेवारी है वो इनके ऊपर है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो शिलोंग पर पड़ता है और इनका जो मोटो है, तो ये सेंटिनलीज है नॉर्थ ईस्ट के, मतलब सेंटिनलीज होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसा गार्ड जो कि कोई एक जगह की रक्षा करता है, देखता है, तो उनका यही मोटिव है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि गवर्निंग बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इनकी, और ऑपरेशन से किसके अंदर करती है तो इंडिया के अंदर ही ऑपरेशन करती है। ऑफकोर्स आयन यहाँ पे दिया हुआ। अब आगे यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्या है, तो कि असम राइफल जो है उनको सेंटर से ये पावर मिला है कि वो लोग कोई भी एक जगह को सर्च कर सकते हैं या फिर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। यहाँ पे किस किस डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया, तो असम जो भी बॉर्डर के सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मिजोराम, तो वो लोग वहां पे ये लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं या फिर किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोला है कि कोई भी एक ऑफिसर, ठीक है, जिसका कि रैंक असम राइफल के सबसे लोएस्ट रैंक तक हो, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो ये पावर यूज कर सकते हैं। मतलब असम राइफल के अंदर जो भी एक ऑफिसर आता है, चाहे वो सबसे नीचे रैंक का क्यों ना हो, वो इसको यूज कर सकता है। अब यहाँ पे इसके बाद बोला गया, इसको ये पावर्स कहाँ से मिला है, तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, हम लोग का भारत का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है उसके अंदर मिला हुआ ये। असम राइफल पहले क्या करती थी, यहाँ पे वही अरेस्ट वो करती थी जहाँ उसको आर्म्ड फोर्सेज का स्पेशल पावर्स का एक्ट जो है AFSPA, वहां पे उसको मिला हुआ था, वहां पे बस अरेस्ट कर सकती थी। पर अब ये पूरे जो असम या फिर जो भी नॉर्थ ईस्ट के सटे हुए जो भी बॉर्डर एरियाज है वहां पे ये लोग, मतलब अरेस्ट ये लोग कर सकते हैं। सेक्शन 41 जो है CRPC, मतलब यहाँ पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पे सेक्शन 41 ये कहता है कि कोई भी एक पुलिस ऑफिसर विथ और विदाउट एन वारंट में, अगर वो चाहे तो किसी भी एक इंसान को यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 47 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई एक जगह पे एक इंसान के मिलने की आशंका है कि वहां पे वो इंसान मिलेगा जिसको कि पुलिस को अरेस्ट कर रहा है, तो वो जगह को वो पुलिस सर्च कर सकती है विदाउट एनी वारंट। सेक्शन 48 ये कहता है कि जब तक वो इंसान पुलिस को नहीं मिल जा रहा, मतलब जिसकी उनको तलाश है, तो वो भारत के कोई भी जगह में जाकर के उसका खोज कर सकते हैं। सेक्शन 49 ये कहता है कि आप एक इंसान को एक बार अरेस्ट कर लो, उसके बाद आपको उसको ऐसा नहीं करना कि आप उसको मतलब चार दीवारी के अंदर बंद कर दिए, कोई खिड़की नहीं कुछ नहीं, एक मिनिमल मतलब ऐसा सिचुएशन जहां से वो भाग नहीं सके वैसा सिचुएशन में आपको उसको रखना है। तो ये था कुछ इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।